Polytechnic. The institution was named after the great architect. In the year 1986-87, the Polytechnic bagged first rank to the state, and repeated again in 1987-88, and in 1980. Undergraduate level other courses run in the Polytechnic are Mechanical Engineering, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस कर्नाटका, मैं हूँ रशिका। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटका के समाचारों से। भीम आर्मी संगठन ने हेस्कॉम बिजली विभाग को दिया चेतावनी। विजयपुर जिला के वार्ड नंबर 34 में आने वाला रहीम नगर में लोग पिछले 6 महीनों से समस्या झेल रहे हैं। रहीम नगर निवासियों की समस्या समाधान करने भीम आर्मी संगठन के अध्यक्ष खालिद हुसैन जी गुलबर्गा ने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन बिजली विभाग ने इनके समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और तारीख पे तारीख दे रहे हैं। फिलहाल भीम आर्मी संगठन ने बिजली विभाग को चेतावनी दिया कि अगर समस्या समाधान नहीं किया तो उग्र हड़ताल करेंगे। यह जानकर विजयपुर के हेस्कॉम बिजली विभाग के सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 15 दिनों के अंदर समस्या समाधान करने का भरोसा दिया। भीम आर्मी संगठन का कहना है कि दिन भर रहीम नगर में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, इनके लिए ज्यादातर बिजली की आवश्यकता है, इसलिए भीम आर्मी संगठन ने चेतावनी दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं किया तो बिजली विभाग के ऑफिसर के सामने हड़ताल करेंगे। मैं खालिद हुसैन, भीम आर्मी माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते से के बी ऑफिस को आज घेरा गया था। AEE पत्तार सर से हमने बातचीत की। पिछले कुछ महीनों पहले 28 तारीख को हमने एक TC सैंक्शन करने के लिए रहीम नगर में एक मनवी पत्र दिया था, उसी के बारे में पूछताछ करते हुए हमने AEE से बात की, पत्तार सर से। अगर 15 जुलाई या 20 जुलाई तक रहीम नगर में TC नहीं बढ़े तो हम यहाँ पर KEB में आके धरनी सत्याग्रह करेंगे। जब तक हमारी TC नहीं बढ़ती हम यहीं पे बैठेंगे और यहीं से कहीं TC बिठाने तक यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और उन्होंने भी हमें 15 से 20 दिन में TC बिठाने का वादा किया है। अभी देखेंगे वो क्या बोलते हैं उसके बारे में। जय भीम आर्मी, जय भारत। और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।